सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल ज़किया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। इस दौरान कोर्ट में ज़किया जाफरी के साथ एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली तिस्ता सीतलवाड़ का जिक्र भी किया गया था। अगले दिन शनिवार को गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीतलवाड़ को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से एटीएस उन्हें लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 55 राजनेता और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। इसके खिलाफ ज़किया जाफरी और तिस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है, याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ भी की थी, साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि जितने लोग कानून के खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कल याचिका खारिज होने के बाद आज गुजरात एटीएस ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया।